एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। तो अधोसंरचना और अधिसंरचना की कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे जो दिया है कार्ल मार्क्स जी ने। और भी इनके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैंने वीडियो के थ्रू समझाया है। तो यदि आपने वीडियो अभी नहीं देखी है तो देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस कंटेंट की पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं यदि आप तैयारी कर रहे हैं GIC लेक्चरार की, PGT की या NTNET की। ठीक है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है आपका तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है सुपर स्ट्रक्चर। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सब स्ट्रक्चर क्या होता है? अधोसंरचना। सब स्ट्रक्चर की मीन्स क्या होता है? अधोसंरचना। कार्ल मार्क्स ने इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से परिभाषित किया है तो देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संरचना को मोटे रूप में दो भागों में विभाजित किया है, दो भाग, सुपर और सब। समाज के संपूर्ण ढांचे, जो ढांचे के ऊपरी भाग को इन्होंने अधिसंरचना कहा। अधिसंरचना किसे कहा है? और निचले भाग को इन्होंने क्या कहा है? बुनियादी भाग को अधोसंरचना कहा। ठीक है, अधोसंरचना क्या है? बुनियादी भाग है। अब इस तरीके से मैं बना के दिखाती हूँ आपको, ये है, ये रहा। तो ये इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बना है, जो निचला स्तर है और ऊपर का स्तर है। तो अधोसंरचना इन्होंने किसको कहा है? संपूर्ण ढांचे के ऊपरी भाग को इन्होंने अधिसंरचना कहा। तो अधिसंरचना ऊपरी भाग को कहा और अधोसंरचना बुनियादी भाग को कहा। ठीक है, तो उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंधों के योग से निर्मित सामाजिक आर्थिक संरचना को ही मार्क्स ने अधोसंरचना का नाम दिया है। कहने का मतलब ये है, जो ऊपरी संरचना होती है, जो इतना ये ऊपरी संरचना है, ठीक है, और जो नीचे की संरचना है, तो नीचे की संरचना अधो है, तो इसमें क्या होता है? इसमें उत्पादन शक्ति होती है, ये निचले भाग, इसमें उत्पादन शक्ति होती है, उत्पादन संबंध से निर्मित समाज की आर्थिक संरचना मानी जाती है। ठीक है, इसे ही मार्क्स अधोसंरचना के नाम से संबोधित करते हैं। आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का धर्म, साहित्य, कला, संस्कृति, जो समाज की अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? जो अधिसंरचना है सुपर स्ट्रक्चर का प्रतिनिधित्व करता है। सभी के निर्धारकों का कारक बुनियादी रूप से आर्थिक व्यवस्था उत्पादन प्रणाली है। जैसी आर्थिक व्यवस्था होगी उसी के अनुरूप धार्मिक, राजनीतिक, कलात्मक और चिंतन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्क्स का समस्त दर्शन उत्पादन प्रणाली, उत्पादन शक्ति, उत्पादन संबंधों के इर्द गिर्द ही घूमती है। मार्क्स के अनुसार ये तत्व ही समाज की नींव के पत्थर हैं। सामाजिक परिवर्तन ये ही निर्धारक होते हैं या निर्णायक होते हैं। समस्त सामाजिक परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो संरचना है, इसका निचला जो भाग है जिसमें हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन संबंध करते हैं, उत्पादन प्रणाली होती है, मतलब जिससे हम अर्निंग करते हैं, उसका जो भी स्ट्रक्चर हो तो वो निचले स्तर पर आता है, अधोसंरचना के अंतर्गत आता है। और अधिसंरचना के अंतर्गत क्या आता है? सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जो इसके आधार पर तय होती है, जैसे धर्म है। आगे हम उसकी भी डेफिनेशन देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? अधिसंरचना। और सब स्ट्रक्चर मीन्स अधोसंरचना। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने समाज के ढांचे के ऊपरी भाग को अधिसंरचना की संज्ञा दी। ऊपरी भाग को अधिसंरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर कहा। इस संरचना में सामाजिक, राजनीतिक, जैसा कि अभी मैंने बताया, राजनीतिक, बौद्धिक, वैधानिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से होती है। मार्क्स के अनुसार अधिसंरचना का रूप अधोसंरचना अर्थात उत्पादन प्रणाली की प्रगति पर
निर्भर करता है, इसलिए उत्पादन प्रणाली का परिवर्तन समाज के ऊपरी ढांचे अर्थात लोगों के धार्मिक विश्वास, नैतिक आदर्श, कला, साहित्य, राजनीतिक संस्थाओं को भी बदल देता है। अधिसंरचना और अधोसंरचना मार्क्स के सामाजिक दर्शन की जो जुड़वा केंद्रीय अवधारणाएं हैं। आगे भौतिक उत्पादन के आधार पर, जो भौतिक उत्पादन होता है उसके आधार पर समाज का संगठन कैसे हुआ है, इसे समझने के लिए मार्क्स ने इन दोनों अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। यदि हम मार्क्स की कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि उन्होंने भौतिक उत्पादन के आधार पर समाज का संगठन किस प्रकार किया है, तो उसको समझने के लिए मैं ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, सब और सुपर, ये सुपर है, ठीक है, सब और सुपर, अधो और अधि, अधि ये है, ठीक है, अधि ऊपर वाला है और अधो क्या होता है, अधो नीचे वाला होता है। ये नाम दिए हैं कार्ल मार्क्स ने अपने जो सामाजिक संगठन की व्यवस्था को समझाने के लिए, ठीक है। इस नीचे क्या आता है, नीचे जो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंतर्गत आता है आर्थिक प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था, जो भी चीज़ें जिससे उत्पादन प्रणाली होती है, उत्पादन होता, अर्जन होता है, वो सब चीज़ें क्या आती हैं, नीचे आती हैं अधोसंरचना के इस स्ट्रक्चर में। और ऊपर क्या आता है, इसमें धार्मिक आते हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं आती हैं, जो भी संस्थाएं हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आती हैं, मानव के सांस्कृतिक, वैधानिक, बौद्धिक, ठीक है, इस तरीके की सभी कुछ जो संस्थाएं हैं वो अधिसंरचना के अंतर्गत आती हैं। तो अधोसंरचना के अंतर्गत जैसा कि बताया मैंने कि जो भी व्यवस्था है, जो उत्पादन प्रणाली है, उत्पादन के जो भी नियम कानून, जो भी व्यवस्थाएं और जो भी ढांचे, सब कुछ नीचे अधोसंरचना के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉच।